सियासत में किंग मेकर के नाम से मशहूर लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बार फिर एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, और वजह है उनकी दो बेटियों का लोकसभा का चुनाव लड़ना। जी हां, इससे पहले लालू प्रसाद यादव की एक बेटी मीसा भारती ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उनकी दो बेटियां सियासी मैदान में और लगातार एनडीए के नेताओं पर हमलावर है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहते कि उनके नेताओं को, उनके कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। इसके लिए लालू प्रसाद यादव लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के समर्थन में उनके पक्ष में वोट करने की ज्यादा से ज्यादा अपील कर रहे हैं। बीते दिन इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव पटना में इमारत शरिया पहुंचे, फुलवारी शरीफ में। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, जैसा कि मैंने पहले बताया, मीसा भारती कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में चुनावी प्रचार को लेकर लालू यादव ने कमान संभाली हुई है। लालू प्रसाद यादव की फिलहाल हेल्थ कंडीशन पर अगर नजर डालेंगे, गौर करेंगे आप, कई वीडियोस में आपने देखा होगा, इस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, लालू प्रसाद यादव की जो हेल्थ कंडीशन है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा बीड़ा उठाया है। उन्होंने अपने कंधे पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया नेताओं की, इंडिया गठबंधन के नेताओं की, कैंडिडेट के पक्ष में लगातार समर्थन में रैली जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, और इस बीच में अपनी बेटियों को लेकर भी काफी सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि उनकी दोनों बेटियां इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ें और देश की संसद में पहुंचे। इसको लेकर लालू यादव बीते दिन पटना से सटे फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया पहुंच गए। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि लालू यादव कहां निकल रहे हैं, बस इतनी जानकारी थी कि वो अपनी बड़ी बेटी के समर्थन में प्रचार करने निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने राबड़ी आवास से निकलकर गाड़ी का रुख सबसे पहले फुलवारी शरीफ में स्थित इमारत शरिया की तरफ किया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो उनका एक अलग अवतार देखने को मिला। जी हां, लालू यादव ने सफेद रंग की टोपी पहनी थी, और टोपी पहनकर लालू यादव इमारत शरिया पहुंचे। वहां पर मुस्लिम संगठन के नेताओं से मुलाकात की, काफी देर बातचीत हुई, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ लालू यादव ने उनकी बड़ी बेटी यानी कि मीसा भारती के समर्थन में वोट करने की मुस्लिम संगठन के नेताओं से अपील भी की। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के अंदर फुलवारी शरीफ आता है और 3.5% मुस्लिम मतदाता है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में। लालू यादव को ऐसा लगता है कि 3.5% मतदाता जो है वो उनकी बड़ी बेटी के समर्थन में वोट करेंगे। इसको लेकर लालू यादव कोई कोर जो कसर है वो छोड़ना नहीं चाहते, वो कुछ भी ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहते जिससे कि कोई नुकसान आगे चलकर नतीजों में उठाना पड़े। तो लालू यादव लगातार, अगर आप देखेंगे, इससे पहले आज बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने तो सफेद टोपी पहनकर वो इमारत शरिया में पहुंचे हुए थे, उनका एक अलग अवतार देखने को मिला। दूसरी ओर लालू यादव का एक पुराना वीडियो सामने आया था जब वो अपनी छोटी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य के समर्थन में सारण के लगातार लोकसभा क्षेत्र में वो दौरा कर रहे थे। इस बीच उन्होंने सोनपुर में स्थित हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर अपनी छोटी बेटी की जीत की कामना की, साथ ही साथ उनका ये वीडियो भी सामने आया था। तो कभी लालू प्रसाद यादव मंदिर पहुंचे अपनी छोटी बेटी को लेकर, वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से मन्नत मांगी कि उनकी छोटी बेटी को जीत मिले। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी की जीत के को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं लगातार चुनावी प्रचार प्रसार कर रहा हूं। वहां पर पहुंचकर लालू प्रसाद यादव ने कुछ बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेताओं की हार तय है। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, ये बयान सुनिए पहले। इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, नरेंद्र मोदी का सफाया हो गया, इसलिए बोल रहा कि हम ऊपर से अवतार हैं। तो आपने ये बयान लालू प्रसाद यादव का सुना। दरअसल लालू प्रसाद यादव, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, इससे पहले सारण में वो मंदिर पहुंचकर अपनी बेटी की जीत की कामना कर रहे थे। दूसरी ओर अपनी बड़ी बेटी की जीत को लेकर भी वो लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी बेटी के समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पटना के फुलवारी शरीफ स्थित यानी कि जो कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंदर आता है, वहां पर इमारत शरिया पहुंचे, और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की है। उन्होंने यह कहा है कि उनकी बड़ी बेटी के समर्थन में सब लोग वोट करें। ऐसे में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का यह नया सियासी दाव कितना कारगर साबित होता है, और क्या चुनावी नतीजों में, जो कि 4 जून को आएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है सारण में मतदान हो चुके हैं, उनकी छोटी बेटी के भाग्य का फैसला यानी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है, कैद हो चुका है, लेकिन उनकी बड़ी बेटी के समर्थन में जो लोग वोट डालेंगे वो 1 जून को डालेंगे, क्योंकि 1 जून को देश में 7वें चरण का मतदान होना है और आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चरण का मतदान है, और उसमें लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा 7वें चरण में। उसमें लोकसभा सीट पाटलिपुत्रा भी शामिल है, वहां पर भी लोग वोट डालेंगे। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव
कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। लगातार वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के समर्थन में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।